डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कंप्लीट रूप से कार्बोहाइड्रेट को डेडिकेटेड है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे जितना तक हो सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट आप देखिए, नाम पे जाइए, सबसे पहले इसके नाम पे जाइए, ग्रीक वर्ड पे जाइए, कार्बो, ठीक है, और हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इसको कह सकते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है, इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। सिंपली कोई भी यही बोल सकता है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। और देखिए ये दो पार्ट में है, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन है, ठीक है, और एक है हाइड्रेट, यानी कि ये कार्बन और ये हाइड्रेट, ठीक है। कार्बन सिंपल एच, हाइड्रेट वाटर, यानी कि वाटर बल है H2O, ये लीजिए। सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो यही होगा, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो यही कहलाएगा CH2O। क्लियर है पॉइंट? यानी कार्बोहाइड्रेट इज द हाइब्रिड ऑफ कार्बन। सिंपली अगर उसको लिटरली देखें तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर और कार्बन CH2, यानी कि इसी को इलेबोरेट फॉर्म में लिखते हैं C1H2O1, ठीक है, ये यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1। ध्यान से सुनिएगा, ये डिफिनेशन ज्यादा दिन चला नहीं, ये डिफिनेशन में क्या कहा गया, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट इन विच द रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज 1:2:1। ये रेशियो बहुत दिनों तक नहीं चला, क्यों नहीं चला, ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन आए, ठीक है। अब केमिस्ट्री में भी देखते होंगे, सबसे पहले एटॉमिक मॉडल जो ऑथेंटिक रूप से दिए वो डाल्टन साहब की, नहीं चला, रदरफोर्ड आए, नहीं चला, बोर आए, ठीक है, फिर उसके बाद और भी हाइजेनबर्ग वगैरह ये सब आए, ठीक है। तो मतलब डिमेरिट आता गया, दूर होता गया, नया चीज आते गया, यहां भी कार्बोहाइड्रेट का ये डिफिनेशन नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं चला, कहता है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट वो उसमें रेशियो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:2:1। अब जैसे देखिए आप CH3COOH, HCHO, बताइए ये HCHO क्या है, ये HCHO आपका है फॉर्मल्डिहाइड। HCHO क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसमें देखिए जरा, ठीक है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ठीक है, यानी C1H2O1, यह है फॉर्मल्डिहाइड। क्या इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे इस आधार पे C1H2O1, यानी कि जैसे यहां पे है 1:2:1 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसी तरह यहां भी है 1:2:1, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह है फॉर्मल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप छुपा हुआ है, ठीक है। अब आइए CH3COH, यहां पे देखिए कार्बन कितना है, ये तो फेमस कंपाउंड आपको पता हो, कल में बताए थे एसिटिक एसिड, इसमें देखिए कार्बन कितना है, दो कार्बन, हाइड्रोजन देखिए 3, 1, 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन देखिए 1, 2, देखिए इसका रेशियो, इसका भी रेशियो क्या है 1:2:1, ठीक है। क्या इस एसिटिक एसिड को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड बोथ आर नॉन कार्बोहाइड्रेट बट फॉलो अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉलो द रूल अकॉर्डिंग द ओल्ड डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1:2:1 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो, एक्सेप्शन निकल गया। अब आप एक मोस्ट आप जानते होंगे शुगर का आपको फॉर्मूला क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, C12 H22O11, ये भी देखिए एग्जैक्ट 1:2:1 को फॉलो करता है, नहीं करता, नहीं करता है,
वन इज टू टू इज टू वन को फॉलो नहीं करता, ठीक है, वन इज टू टू इज टू वन को फॉलो नहीं करता, ये भी नहीं, जबकि ये सुगर है, यानी ये सुगर का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, रेशियो को फॉलो नहीं करता, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये सॉरी ये और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एसिटिक एसिड और फॉर्मलडिहाइड, बट रेशियो को फॉलो करते हैं, इसलिए इस डिफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। अब डिफिनेशन क्या दिया गया सो सुनिए, ये मैं नोट्स में आपको लिख दूंगा, ठीक है, ये एनसीईआरटी नहीं है, तो डिफिनेशन क्या दिया गया सो सुनिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीअल्कोहलिक डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लीजिए दो कंपाउंड आ गया, ठीक है, केमिस्ट्री का दो फंक्शनल ग्रुप यहां पे आ गया, याद रखना है एल्डिहाइड या कीटोन, एकदम मॉडिफाइड मॉडर्न डिफिनेशन दिया गया जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं आया, क्या दिया गया सो सुनिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीअल्कोहलिक। हाइड्रोक्सी क्या होता है, OH ग्रुप, इसी OH ग्रुप को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और ऑर्गेनिक के हिसाब से क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप, तो कहता है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कहता है कार्बोहाइड्रेट वो होगा जिसमें OH की संख्या एक से ज्यादा होगी, नंबर वन बात, पॉलीहाइड्रोक्सी एक से ज्यादा या पॉली अल्कोहलिक, हाइड्रोक्सी को ही आप क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक, तो पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉली अल्कोहलिक एक ही बात हो गया। अब क्या कहता है दूसरा बात, डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड, ठीक है, कहता है या तो एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है या कीटोन का, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, ये दोनों आपने टेंथ में पढ़ा होगा कुछ फंक्शनल ग्रुप के रूप में, ठीक है, इतना बेसिक तो होगा, एल्डिहाइड कीटोन, या तो कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, और दूसरा उसमें OH की संख्या क्या होगी, एक से ज्यादा, ऐसे कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ये बोला गया, तो देखेंगे आगे कि है होता है कि नहीं। तो मैं यहां पे बता दूं, यानी कार्बोहाइड्रेट में दो बात पॉइंट फिक्स कर दिया गया, एक तो OH की संख्या एक से ज्यादा, दूसरा या तो एल्डिहाइड का डेरिवेटिव होगा या कीटोन का होगा। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट, और मैं बता दूं आपको कि बायोकेमिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में सफिक्स के रूप में ओज लगता है, क्या लगता है, ओज, इसलिए आप इसमें अधिकांश नाम सुनते होंगे ओज लगा हुआ, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, एरेबिनोज, मैनोज, सब में ओज लगा हुआ है, ठीक है, ये सुनते होंगे। कुछ नाम ऐसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट के जो नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करते, वो एक्चुअली में जो होता है ट्रिवियल नोमेनक्लेचर होता है, ट्रिवियल का मतलब हुआ वो जो नोमेनक्लेचर आने से पहले नाम फेमस हो चुके हैं। तो टैक्सोनॉमी में एक रूल होता है, लॉ ऑफ प्रायोरिटी, अगर कोई नाम बहुत फेमस है नोमेनक्लेचर रूल आने से पहले वो नाम दिया गया है किसी बड़े साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, तो उसको रिटेन रखा जाता है, जैसे स्टार्च, स्टार्च में आप खोजते रहिए ओज नहीं लगा हुआ है बट है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, वही देखिए सेलुलोज, ठीक है, ओज लगा हुआ है, काइटीन में ओज नहीं लगा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट है, तो काइटीन, स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोजन, ये सब कार्बोहाइड्रेट है बट ओज नहीं लगा हुआ है, लेकिन सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, एरेबिनोज, जाइलोज, मेनोज, ये सब राइबोज, ठीक है, जो आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज जो डीएनए में पाया जाता है, ये सब भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कहते हैं ये सब में ओज लगा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जितने भी नाम आपने सुना इसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, जिस जिस कार्बोहाइड्रेट में
एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको बोलेंगे एल्डोज सुगर, और जिसमें कीटोन ग्रुप होगा उसको बोलेंगे कीटोज सुगर। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? एल्डोज सुगर। और जिसमें कीटोन ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? कीटोज सुगर। यानी कार्बोहाइड्रेट का दो ग्रुप होगा, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में वैसा कार्बोहाइड्रेट जो फंक्शनल ग्रुप में ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड रखता हो, यानी कि एल्डिहाइड का डेरिवेटिव हो, और जो कीटोन का डेरिवेटिव हो उसको क्या बोलेंगे? कीटोज। ये पॉइंट यहां तक क्लियर? यहां तक अगर पॉइंट क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? ये सारा नोट्स में आपको लिखा रहेगा, वीडियो को दोबारा सुनना होगा सुन लीजिएगा, ये नोट्स में भी आपको लिखा होगा, बिठा दूं आपको। देखिए यहां पे क्या है, ये CH3OH यानी एसिटिक एसिड, और इधर SCHO ये एल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटिक एसिड, बोथ आर नॉन कार्बोहाइड्रेट बट फॉलो द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1:2:1। माल्टोज या सुक्रोज या लैक्टोज तीनों का फॉर्मूला यही होता है C12H2O11। ये क्या करता है? ये नहीं फॉलो कर रहा है कार्बोहाइड्रेट है सुगर, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है किसको? ये फॉलो नहीं कर रहा है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला को, इसलिए मतलब इसको बदल दिया गया है। शुरू में जो डिफिनेशन दिया गया, हाइब्रिड ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट इन विच द रेशियो ऑफ 1:2:1 कौन? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये डिस्कार्ड कर दिया गया, बाद में ये दिया गया बेस्ट डिफिनेशन। तो अब देखिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसी कार्बोहाइड्रेट का अब देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है, ठीक है, कहते ये जो कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है, ये कार्बोहाइड्रेट कहां से लाया गया? इसको सुगर क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो कहते हैं सुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस प्लांट से निकाला गया वो था सुगर केन, सुगर केन, और इसमें स्वीटनेस पावर होती है, स्वीटनेस पावर होती है, स्वीटनेस पावर होती है, सब अभी बताएंगे, इसमें स्वीटनेस पावर होती है। ये सुगर केन, ये ध्यान दीजिएगा, सुगर केन का बॉटनिकल नेम आपको बता चुके हैं, क्या होता है? सैक्रम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, ओके, सैक्रम ऑफिसिनेरम। यहां से वर्ड लिया गया, ठीक है, यहां से वर्ड लिया गया, क्या लिया गया? सैक्राइड, सैक्राइड, ठीक है, यानी कि सैक्रम ऑफिसिनेरम सुगर केन का बॉटनिकल नाम है, यहां से टर्म लिया गया सैक्राइड, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? सैक्राइड। और उसमें स्वीटनेस पावर तो होगा ही, तो उसमें स्वीटनेस पावर देखेंगे किस एक्सटेंट तक होता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को सैक्राइड भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सुगर भी बोलते हैं, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए ये कार्बोहाइड्रेट, यहां तक क्लियर है? ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के आधार पर, ठीक है, तीन ग्रुप में बटा होता है, ठीक है, तीन ग्रुप में बटा होता है, एनसीईआरटी तो उसको दो ही ग्रुप में बांटा है, ठीक है, एनसीईआरटी दो ग्रुप में कैसे बांटा है? सो देखिए, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के अनुसार चलिए, दूसरा मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसी में दो कैटेगरी, इसमें उसने क्या कर दिया आगे मालूम? इसमें कर दिया, ठीक है, फर्स्ट मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड, डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है, और तीसरा ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है, और मैक्रो में क्या आ जाएगा? पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड एंड ऑलिगोसेक्राइड, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, बट देखिए रियल क्या है सो मैं बताता हूं, ठीक है, जिसे हम यहां पे कर रहे हैं, हम चार बर्तन लेते हैं, जो लार्ज एक्सटेंट में डिफिनेशन है उसको मैं बताने जा रहा हूं, मतलब क्लासिफिकेशन। इस चारों में आपने वाटर ले लेना है, ले लिया वाटर, चारों में वाटर ले लीजिए,
चारों में आपने रखना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रख दिया आपने, यानी चारों में आपने कार्बोहाइड्रेट ही रखा है। इसमें जो आपने कार्बोहाइड्रेट रखा वो टूटा नहीं, उसी फॉर्म में रह गया, स्प्लिट नहीं हुआ, ठीक है, वो सॉल्युबल होके उसमें टूटा नहीं, फर्दर किसी अलग यूनिट में रहता, यानी उस कार्बोहाइड्रेट ने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा, मेंटेन द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है, नॉट एक्सक्रीटेड, नॉट एक्सक्रीटेड इन, ठीक है, एनी अदर फॉर्म, ठीक है। इसमें जब आपने डाला तो टू यूनिट में टूट गया, इसमें जब आपने डाला तो तीन से दस यूनिट में टूटा, और जब इसमें आपने डाला तो मोर देन टेन यूनिट्स में टूटा। और आपने ध्यान से देखना है, आपने कार्बोहाइड्रेट का भी ग्रीक वर्ड क्या सीखा, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैक्राइड भी बोलते हैं। क्यों सैक्राइड बोलते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का खोज किससे हुआ है? सैक्रम ऑफिसिनेरम से हुआ है, ठीक है। तो सैक्रम ऑफिसिनेरम यानी कि सैक्राइड, ठीक है, सैक्रम ऑफिसिनेरम मतलब सैक्राइड। तो कहता है कि इसका सैक्राइड यानी इसका कार्बोहाइड्रेट, सब में आपने कार्बोहाइड्रेट ही लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका सैक्राइड उसी फॉर्म में रह गया, एक ही फॉर्म में रह गया, तो एक का ग्रीक वर्ड मोनो, इसलिए इसको क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा मोनोसैक्राइड, क्या बोलिएगा, मोनोसैक्राइड। इसको क्या बोलिएगा, दो यूनिट में टूट गया, डाइसैक्राइड, इसको क्या बोलिएगा, डाइसैक्राइड। ये तीन से दस, तीन से दस का मतलब हुआ कुछ, कुछ के लिए ग्रीक वर्ड आता है ओलिगो, इसलिए इसको क्या बोलिएगा, ओलिगोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड, और उससे ज्यादा पॉलीसैक्राइड, तो ये हो गया पॉलीसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड। अब कहता है कि मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसमें ज्यादा मैक्सिमम कितने यूनिट हो सकते हैं, तीन से दस, इसलिए इसको एनसीईआरटी ने किस में रख दिया, माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स में, डेरिवेट मोनोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड से निकला हुआ सुगर प्लस ओलिगोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड उसने डाइसैक्राइड को भी रख दिया, बाकी सब ओलिगोसैक्राइड को रख दिया, क्लियर है। लेकिन जो फैक्ट है वो आप डिटेल देख सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। तो बताइए माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स, मैक्रोबायो, जिस कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसको मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स में, जिसका कम उसको माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स, क्लियर है पॉइंट। तो माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स में मोनोसैक्राइड, डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैक्राइड एंड ओलिगोसैक्राइड, यहां डाइसैक्राइड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इधर क्या है, मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स, पॉलीसैक्राइड। आइए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो अब एग्जांपल जो है, अब ये डेफिनेशन तो पहले आपको हम करवा चुके हैं, तो मिटा दें ये डेफिनेशन और देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कुछ फेमस एग्जांपल। ये मोनोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड का एग्जांपल, तीन मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल आप मोनोसैक्राइड का जो जानते होंगे वो क्या जानते हैं, पहला ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज, पहले फ्रुक्टोज ले लीजिए, फ्रुक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। उसी तरह से तीन फेमस लीजिए डाइसैक्राइड, माल्टोज, माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, तीन इसका ले लीजिए, ट्राई माल्टोज, ट्राई सुक्रोज, ट्राई लैक्टोज, ठीक है, रेफिनोज, ठीक है, इसका तीन के लिए फेमस, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, क्लियर हो गया, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। अब देखिए, यानी कि मोनोसैक्राइड का ये तीनों फेमस, ये तीनों फेमस, ये तीनों चारों फेमस, ये यानी इतना ही एग्जांपल फेमस है, बहुत ज्यादा है,
लेकिन आपको मैं ये बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी से अलग पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कल ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में टाइम इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स आपको प्लस टू के केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, और केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल प्लस टू का चैप्टर और प्लस वन का बायोमोलिक्यूल नाइन चैप्टर दोनों मिला के नीट में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये पूरा डिटेल में इसमें पढ़ाएंगे, पूरा एक क्लास लेंगे 40 मिनट का। अब आप देखिए क्या है, पहले तो ये मैं बता दूं ये नॉर्मल है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज को आप क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को आप बोलते हैं ग्रेप शुगर। पता है आपको ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर, ठीक है, ग्रेप शुगर बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को ही बोलते हैं, ठीक है, डेक्सट्रोज। क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये डेक्सट्रो फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज, ठीक है। ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज, एक नाम ग्रेप शुगर, एक नाम और है कॉर्न शुगर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्न शुगर। देखिए कैसे याद रखिएगा, कॉर्न शुगर, ठीक है। एक आता है ग्लूकोन डी, आपने खूब देखा होगा ग्लूकोन डी का डब्बा आता है, तो ग्लूकोन डी उसमें देखिएगा लिखा रहता है डेक्सट्रोज, ग्लूकोन डी, डी फॉर डेक्सट्रोज, ओके, ग्लूकोन, ठीक है, ग्लूको, ग्लूको से रखिएगा ग्रेप, और कौन से रखिएगा कॉर्न, तो हो गया काम खत्म, यानी कोज तो कॉर्न शुगर, कोज कॉर्न शुगर, कोज हो गया, ग्लूकोज ग्रेप शुगर, क्लियर है, और ग्लूकोन डी होता है ब्रांड डेक्सट्रोज, क्लियर है। फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर, और लेबुलोज, क्या बोलते हैं, लेबुलोज, फ्रूट शुगर और लेबुलोज, ठीक है। और ये आपका है स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन, फ्रुक्टोज, देखेंगे हम बाकी सबका भी देखेंगे, ठीक है, कौन क्या है, बट फ्रुक्टोज क्या है, स्वीटेस्ट शुगर है, क्लियर है यहां तक। अब आइए ये गैलेक्टोज, ये कहता इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट है लैक्टोज का, किसका, लैक्टोज का, इसको मिल्क शुगर मोनोमर भी बोलते हैं, मिल्क शुगर का मोनोमर भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज ये आपका तीनों मोस्ट कॉमन है, इसके अलावे भी है, क्या क्या है मैं एक बार बोल देता हूं, और एक बार बोल चुका हूं पहले, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज के अलावा है मेनोज, जाइलोज, एरेबिनोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबुलोज, स्टेकायोज, सब है, देखेंगे उसको आगे, ठीक है। अब आइए ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, ये तो तीनों बेसिक है, मोस्ट पॉपुलर है, पढ़ते आ रहे, और संजोग से तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीनों का ये मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, सिर्फ तीनों वैरी करते हैं एक एक पॉइंट पर। तो बताइए ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज ये तीनों आपस में, ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। बट याद रखिएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज को आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच के समझ के आंसर देना है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आइसोमर है, किस तरह का आइसोमर है, नंबर वन क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज गैलेक्टोज, इन दोनों गैलेक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12, तीनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6 तीनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6, बट ठीक है ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये आइसोमर नहीं है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन तो अभी नहीं बताएं क्योंकि आपको ज्यादा हो जाएगा, तो अभी दो क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन दिए हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइसोमर है, बट कैसा आइसोमर है, आइसोमर की किस कैटेगरी में आता है,
दूसरा भी है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आइसोमर नहीं है, वो दोनों कुछ अलग है, आपको बताना है। चलिए ठीक है, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, या वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप जाइए, वहां पे आप लिखिए कि हाँ ये चीज ये आंसर है, मैं उसमें आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, जरूर वहां पे आप आंसर दीजिए, अगर आपका गलत होगा तो मैं सही लिख दूंगा, सही होगा तो आपको थैंक्स बोलूंगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ये है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में दो दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज, यानी माल्टोज दो मोनोसेक्राइड का बना हुआ है, सुक्रोज दो मोनोसेक्राइड का बना हुआ है, लैक्टोज दो मोनोसेक्राइड का बना हुआ है। तो दिमाग रखना है, कितना याद कीजिएगा कि कौन कौन है, माल्टोज में दो मोनोसेक्राइड कहां से आ गए, मोनोसेक्राइड हमने ये तीन तरह का पढ़ा है, इसी तीनों में कोई होगा यहां पे दो, इसी तीनों में कोई यहां पे दो होगा, इसी तीनों में कोई यहां पे दो होगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आसान सा ट्रिक बताता हूं, ये तीनों लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ये तो मोस्ट पॉपुलर है ही, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, कुछ नहीं करना है, ये तीनों का हमने शॉर्ट फॉर्मूला लिख दिया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, ये अलग से बता रहा है, ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज ये तो लिख ही दीजिए आप, और तीनों में आप ग्लूकोज जोड़ दीजिए, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, हो गया आपको अगला, ये निकल गया, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज सुक्रोज, और गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज लैक्टोज, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज, काम खत्म आपका, यानी ये इन तीनों का काम खत्म। यानी माल्टोज को अगर वाटर में घोलेंगे तो दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज निकलेगा, सुक्रोज को अगर वाटर में घोलेंगे दो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज निकलेगा, एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज निकलेगा, और लैक्टोज को अगर वाटर में घोलेंगे तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज निकलेगा, एक मॉलिक्यूल लैक्टोज निकलेगा। इसको जरूर नोट कीजिएगा, इसको मैं मिटा भी नहीं रहा, ठीक है, यह आप जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसमें आइए, अब ये माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज है, दो दो मॉलिक्यूल, इसमें एक एक मॉलिक्यूल फिर ग्लूकोज जोड़ दीजिए, इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जोड़िएगा ट्राई माल्टोज, इसमें जोड़िएगा ट्राई सुक्रोज, इसमें जोड़िएगा ट्राई लैक्टोज, हो गया, क्लियर है, यानी तीनों में एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जोड़ दीजिएगा, ये बन जाएगा, और ये तीनों को, यानी कि ये तीनों ग्लूकोज फ्रुक्टोज लैक्टोज, ये तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, तब बन जाएगा रेफिनोज, यानी रेफिनोज बराबर वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल लैक्टोज, वन मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज, क्लियर है। बट ये ट्राई माल्टोज कोई पूछेगा ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ट्राई सुक्रोज पूछेगा ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये पूछेगा ट्राई लैक्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज गैलेक्टोज, और रेफिनोज पूछेगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, क्लियर है। अब आइए लास्ट में, कौन पॉलीसेक्राइड में फेमस कौन है, स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज, ये तीनों संयोग से बना हुआ है, किससे, ग्लूकोज से ही बना हुआ है, ठीक है। अगर कोई पॉलीसेक्राइड सेम तरह के यूनिट से बना हो तो उसको बोलते हैं होमो पॉलीसेक्राइड, आगे पढ़ेंगे, और अगर डिफरेंट से बना हो तो बोलेंगे हेट्रो पॉलीसेक्राइड। यानी मान लीजिए कोई, अब जैसे स्टार्च सिर्फ ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में सिर्फ ग्लूकोज होता है, ठीक है, सेलुलोज में सिर्फ ग्लूकोज होता है, लेकिन कोई ऐसा होता जिसमें ग्लूकोज भी होता फ्रुक्टोज भी होता, जिसमें फ्रुक्टोज भी होता गैलेक्टोज भी होता, ऐसा नहीं, तीनों ग्लूकोज का बना हुआ है, ये होमो पॉलीसेक्राइड है। तो पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे आगे, बट अभी तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, बताइए एग्जांपल क्लियर है। अब आइए, ये बस उसमें टैकल नहीं हुआ, डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड, देखिए डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड क्या है, उसके लिए ये बना बचा के रखे थे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड क्या, यही तो है डीऑक्सी सुगर। अगर किसी मोनोसेक्राइड से ऑक्सीजन हटा देते हैं तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी सुगर, ये देखिए डीऑक्सी सुगर, ठीक है, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन को आप हटा दीजिए तो राइबोज 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 पेंटोज सुगर है, पांच कार्बन का सुगर है, यही तो कल बताएंगे अगले वीडियो में, यही तो बताएंगे राइबोज पांच कार्बन का सुगर है, पांच कार्बन का सुगर बताइए ये जो। अच्छा एक बात और बता दें पहले, मोनोसेक्राइड ये यहीं पे मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड और लिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड,
इस चारों में ठीक है एक मोनोसैकेराइड के जितने एग्जांपल होंगे वो उसको फॉलो करता है जिस डिफिनेशन को आपने नकार दिया, जिस डिफिनेशन हम लोगों ने नकार दिया, क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होगा, इस बात को हम लोगों ने नकार दिया था, बिल्कुल नकार दिया था। बट उसकी इज्जत, उस बात का इज्जत रखा हुआ है कौन? मोनोसैकेराइड। हर मोनोसैकेराइड 1:2:1 को फॉलो करता है। तो बताइए अगर पेंटोज का फॉर्मूला, पेंटोज सुगर अगर लिखेंगे C5, तो बताइए अपने आप कार्बन कितना हो जाएगा, 1:2:1 पे आइए तो कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन हो गया 5, तो हाइड्रोजन कितना होगा 10, ऑक्सीजन कितना होगा 5। तो यही है आपका पेंटोज का फॉर्मूला, और इसका एग्जांपल होता है राइबोज। क्या होता है राइबोज? तो आप खुद ही बताइए, राइबोज का फॉर्मूला है C5H10O5, तो बताइए डीऑक्सीराइबोज का क्या होगा, एक ऑक्सीजन हटा दीजिए, ठीक है, तो बताइए क्या होगा डीऑक्सीराइबोज का, C5H10O4, ये हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज का, किसका होगा डीऑक्सीराइबोज का, ठीक है, तो आपको निकालना आ गया। तो बताइए यानी कि अगर मान लीजिए कि एक ऑक्सीजन हटा देंगे सेकेंड कार्बन से तो डीऑक्सीराइबोज सुगर बन जाएगा, ये डीऑक्सी सुगर बोलते हैं, एमीन ग्रुप लगा देंगे तो एमिनो सुगर बन जाएगा, ठीक है, कहता है कि एसिड ग्रुप लगा देंगे तो सुगर एसिड बोलेंगे, ये एसिड सुगर बोल देते, ठीक है, सुगर को अल्कोहलिक ग्रुप लगा देंगे, यानी अल्कोहलिक डेरिवेटिव जो होगा उसको, उसका एग्जांपल मेनिटोल, ये मेनिटोल आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो सेकेंड ये थर्ड चैप्टर में आएगा एल्गी में, ब्राउन एल्गी एक होता है, ब्राउन एल्गी का ये फूड मटेरियल है मेनिटोल, लेमिनेरिन प्लस मेनिटोल, ये दोनों पाया जाता है किसमें, ये दोनों पाया जाता है आपको ब्राउन एल्गी। तो बताइए ये टेबल याद रहेगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है, इसमें बस यही पढ़ना है। डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड में पहला क्या हो गया बोलिए, पहला हो गया डीऑक्सी सुगर, दूसरा क्या हो गया एमिनो सुगर, तीसरा क्या हो गया ठीक है सुगर एसिड, चौथा हो गया सुगर एल्कोहल। तो बताइए डीऑक्सी सुगर का एग्जांपल तो जिंदगी भर के लिए याद हो गया डीऑक्सीराइबोज C5H10O4, अब बताइए एमिनो सुगर, ठीक है, ग्लूकोजामीन आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन नाग और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, तो ग्लूकोजामीन एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन तो पढ़े, काइटीन में होता है, काइटीन तो प्योर उसी का बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का, और पेप्टोग्लाइकोन में भी नाग होता है, तो पता चल गया काइटीन और नाग, मतलब काइटीन में नाग पाया जाता है और नाग पेप्टोग्लाइकोन का भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। क्लियर हो गया पॉइंट, ये पूरी तरह क्लियर है, तो नाग से परिचित हो गए। अब आइए सुगर एसिड, इसका एग्जाम्पल दो ग्लूकोरोनिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, व्हाट इज एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड एक मेटाबोलाइट है, ठीक है, और ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, आपको याद होगा एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, ये विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल नाम है कौन, एस्कॉर्बिक एसिड, क्लियर है पॉइंट। और सुगर एल्कोहल का एग्जांपल है मेनिटोल, लेमिनेडिन नहीं, लेमिनेडिन तो हम एग्जांपल दे रहे मेनिटोल, यानी कि मेनिटोल सॉर्बिटॉल ये सब एग्जांपल है, और ये मेनिटोल कहां पे होता है, ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड मटेरियल है, क्लियर है पॉइंट। ये सारा कुछ जो बोर्ड पे हमने बताया ये है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी क्लासिफाई हमने नॉन एनसीईआरटी बुक के अनुसार कैसे किया है, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसे किया है, सो देखिए ठीक है क्या किए हैं, मोनोसैकेराइड ठीक है, पहले एनसीईआरटी के अनुसार अगर कार्बोहाइड्रेट करते तो माइक्रो मतलब छोटा माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रो में एक ही ग्रुप पॉलीसैकेराइड, इधर कर दीजिएगा तीन मोनोसैकेराइड ठीक है, डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड, लेकिन यहां पे डाइसैकेराइड नहीं करके मोनोसैकेराइड तो किया ही, और उसके बाद क्या किया डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड, जिसमें क्या क्या आएगा डीऑक्सी सुगर एमिनो सुगर सुगर एसिड सुगर एल्कोहल, क्लियर नोट्स में लिखा रहेगा, और ये ओलिगोसैकेराइड बाय
मतलब पहला ग्रुप कर लीजिए ओलिगोसैकेराइड में ही डाइसैकेराइड को रखा है, ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड में आप दो कर लीजिएगा, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ओलिगोसैकेराइड में दो, एक डाइसैकेराइड, ठीक है, अच्छे से मैं कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिए मोनोसैकेराइड, इधर आप कीजिएगा डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड, डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड, और तीसरा जो होगा वो होगा ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड में, ओलिगोसैकेराइड में आपका क्या आ जाएगा बोलिए, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है, और ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ठीक है। बताइए मोनोसैकेराइड यहां पे आ गया आपका, डाइसैकेराइड यहां पे आपका आ गया, ठीक है, ट्राइसैकेराइड इसमें आ गया ओलिगोसैकेराइड में, ठीक है, ये ट्राई माल्टोज ट्राई लैक्टोज ये आ गया, और पॉलीसैकेराइड ये आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड ये आ गया। ये कुल मिला के आपको टोटल ये हमने बताया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कल मैं अलग से, वो टॉपिक आपको एनसीईआरटी नहीं है, मैं कल अलग से पहले आपको बताऊंगा मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, यानी आपको पता होना चाहिए, हमने अभी बताया कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में कौन रेशियो को अभी भी फॉलो कर रहा है, मोनोसैकेराइड 1:2:1 का। तो मैं बताऊंगा मोनोसैकेराइड के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन की संख्या एक है तो उसको बोलेंगे मोनोज, मोनोसैकेराइड का टाइप बता रहा हूं। कार्बन की संख्या अगर दो होगा किसी मोनोसैकेराइड में तो डायोज, तीन होगा तो ट्रायोज, चार होगा तो टेट्रोज, पांच होगा तो पेंटोज, छह होगा तो हेक्सोज, सेवन होगा तो हेप्टोज।